हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पौधे दिखाने वाले हैं जो कि मांसाहारी पौधे होते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इन पौधों के बारे में काफ़ी सारी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, ये वो पौधे हैं जो अपने खाने के लिए कीड़े मकोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपको इनको देखकर हैरानी होगी कि कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो कि मांसाहारी पौधे होते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको बारी बारी से दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे पौधे और उनके बारे में काफ़ी जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं उन पौधों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर जो पौधा है वो घटपर्णी का पौधा है, या इसे पिचर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये पौधा असम के खासी पहाड़ियों में पाया जाता है। इस पौधे की पत्ती कलश के रूप में होती हैं। आप देख सकते हैं, ये कुछ कलश के आकार का होता है। जैसे ही कोई कीड़ा या इंसेक्ट इसके पास आता है तो ये उसे अपने अंदर बंद कर लेता है और उस कीड़े से अपना खाना बना लेता है। दोस्तों, बात करते हैं अब ऐसे ही दूसरे पौधे के बारे में जो कि हैरान करने वाला पौधा है। दोस्तों, इस पौधे का नाम विनस फिलाई ट्रेप है, जो कि अमेरिका के केरानिया क्षेत्रों में पाया जाता है। दोस्तों, इस पौधे का जो वनस्पति नाम है वो डायोनिया मसीपुला है। दोस्तों, अब बात करते हैं ये कीड़े मकोड़ों को कैसे खाता है। दोस्तों, जैसे ही इसकी पत्तियों के बीच में कोई कीड़ा आता है तो ये अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है और कीड़ा अंदर कैद हो जाता है। कीड़े को पकड़ने के बाद ये अपना खाना इस कीड़े से बना लेता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसे ही अनोखे एक और पेड़ के बारे में। दोस्तों, ये जो पौधा है इसका नाम कोबरा लीली है। ये ज़्यादातर कैलिफोर्निया एवं ओरिगोन में पाया जाता है। इसका वनस्पति नाम डार्लिंगटोनिया कैलिफोर्निका है। दोस्तों, इस पौधे को कोबरा लीली के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं वो कोबरा के फन के आकार की होती हैं। दोस्तों, जैसे ही ये इस पौधे की पत्तियों पर कोई कीड़ा आकर या इंसेक्ट आकर बैठता है तो ये तुरंत उसे अंदर खींच लेता है और अपना खाना बना लेता है। दोस्तों, ये जो पौधा है संड्यू, इसकी पत्तियां कुछ चिपचिपी होती हैं। जैसे ही इसकी पत्तियों पर कोई इंसेक्ट आकर बैठता है तो ये तुरंत उसे चिपका लेता है और अपने रेशेदार बालों से उस इंसेक्ट को चिपका लेता है और उससे अपना खाना बना लेता है और उसे खा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये सारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले